दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और उमरान मलिक को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, संजू को न खिलाने पर टीम इंडिया ने जमकर मच गया, उसमें बवाल बताएंगे। सैमसन ने न खिलाने पर हेड कोच लक्ष्मण गुस्से में, आग बबूला क्यों हो गए। ड्रेसिंग रूम में हेड कोच और कप्तान के बीच जमकर हुई लड़ाई, दोनों की जोरदार बहस में संजू को भी आना पड़ा बीच में। आखिरकार क्या है पूरा मामला, वीवीएस लक्ष्मण धवन से क्यों हो गए इतने नाराज, संजू ने महानता दिखाते हुए कैसे जीता सब लड़ाई का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू और पंत में से किसे होना चाहिए भारतीय टीम का विकेटकीपर बल्लेबाज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में यदि कोई एक नाम चल रहा है तो वो है भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जितनी नाइंसाफी इस खिलाड़ी के साथ हो रही है शायद उतना किसी के साथ नहीं हुई होगी। बता दें, पहले वनडे मैच में उनको खेलने का मौका दिया गया, इस खिलाड़ी ने अय्यर के साथ लाजवाब खेल दिखाया। 38 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर उन्होंने भारतीय टीम को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला बल्कि एक अच्छे टोटल तक पहुंचने में भी मदद की। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और पहले वनडे में उन्होंने केवल 15 रन ही बनाए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। बावजूद इसके दोस्तों, दूसरे वनडे में शिखर धवन ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए पंत को तो प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया, लेकिन संजू को एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके इस फैसले ने क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल मचा दिया। ट्विटर पर जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड करने लगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि धवन ने इस फैसले में हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण की भी राय नहीं मांगी, जिसका नतीजा ये रहा कि ड्रेसिंग रूम में ये दोनों ही दिग्गज आपस में बैठ गए। दोनों के बीच जमकर बहस छिड़ गई। वहां मौजूद पूरी भारतीय टीम हैरान रह गई, यहाँ तक कि संजू नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल मामला ये है कि जब बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच रोका गया, तब धवन और वीवीएस लक्ष्मण एक साथ नजर आए। लक्ष्मण ने धवन से सवाल किया कि उन्होंने संजू को बाहर क्यों किया, शायद इसका जवाब शिखर धवन ने दिया नहीं, जिस पर वीवीएस लक्ष्मण बेहद गुस्से में नजर आए। फिर क्या था, दोनों के बीच बहस छिड़ गई और बीच बचाव में आना पड़ा खुद संजू सैमसन को। बार बार नजरअंदाज किए जाने वाले संजू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली या नहीं, उन्होंने बड़ी महानता दिखाते हुए बीच बचाव किया। उनके ऐसा करने से वो एक बार फिर से सबके चहेते बन गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजू को बाहर करना शिखर धवन का फैसला सही था या गलत। वहीं संजू सैमसन की महानता को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।